हाल ही में 43 वर्षीय फिल्म अभिनेता इंद्र कुमार का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। उन्होंने सलमान खान के साथ कुछ फिल्मों में काम किया था और वैसी ही सफलता हासिल नहीं कर पाए थे जैसी वे चाहते थे। एक जमाने में इंद्र का नाम फिल्म अभिनेत्री ईशा कोप्पिकर के साथ जुड़ा था। कहा जाता था कि दोनों एक दूसरे को चाहते थे, लेकिन बाद में ईशा ने इंद्र के बजाय किसी और से शादी रचा ली। इससे इंद्र को झटका लगा। इंद्र की पहली पत्नी सोनल ने खुलासा किया है कि उनके साथ विवाह रचाने के बाद भी वे ईशा को नहीं भुला पाए थे। सोनल कहती हैं कि इंद्र अक्सर कहते थे कि वे ईशा से मिलने जा रहे हैं। इस पर सोनल कहती कि कभी ईशा को भी घर बुलाओ, लेकिन ईशा कभी नहीं आई। इंद्र को नशे की भी आदत थी, वे ड्रग्स और शराब के आदी थे और संभवतः इसी कारण कम उम्र में वे दुनिया से चल बसे। सोनल ने उनकी आदत छुड़ाने की काफी कोशिश की, लेकिन वे नाकाम रही। जब सोनल ने बेटी को जन्म दिया और ये खबर इंद्र को दी तो इंद्र ने जवाब तक नहीं दिया, वे अपने में ही खोए रहते थे। इंद्र ने सोनल से तलाक लिया और बाद में दूसरी शादी की। सोनल ने भी दीपेश नामक शख्स से विवाह रचा लिया था।